आज है 24th of May फ्राइडे और लास्ट वर्किंग फ्रॉम होम डे फ्रॉम 15:07। अच्छा जी, हिसाब क्या है? हिसाब ये है कि हम लोग मूव कर रहे हैं इस अपार्टमेंट में। अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो, शायद आप लोगों को पता हो कि हम रह रहे थे तकरीबन 2 साल हो गए हैं। तो अब बस हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, 31st लास्ट डेट है। और बस आज लास्ट वर्किंग फ्रॉम होम डे फ्रॉम 15:07 AM। ये वैसे मैंने पहले भी कहा है, तो रेपिटेशन, वही रेपिटेशन। अब काम करते हैं। अभी गर्मी बहुत हो गई है तो पंखा भी चल रहा है और देख सकते हो कि फुल सूरज है। तो ये जरा मैं नीचे कर रहा हूँ, लास्ट लंच ब्रेक ऑफ 15:07 AM। बहुत स्क्रिप्टेड था। मिनट। तुमने कौन सा पराठा खाया? आलू आलू। इसने भी आलू और इसने मूली। बिलाल ने दो खाए हैं। दो और आपने अभी बिरयानी खानी है जो? नहीं, मैंने तुम्हारे लिए निकाल के रखी। अच्छा, पूरा पतीला। गाइस, इसने मुझे कहा था कि मेरे लिए बिरयानी गर्म कर देना, मैं लंच में वो खाऊंगा। और अब आप लोगों को देखो क्या ड्रामा दिखाएगा। मैं दिखाता हूँ कि मैं लंच में क्या खा रहा हूँ। मैं पी रहा हूँ ह्यूल का नील रखा। लंच वगैरह हो गया और अब मैं कुछ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट मैं काम होने नहीं दूंगी। मैं भी कर रही हूँ। देखो क्या महसूस कर रही हो, आज आखिरी दिन है। बहुत ज्यादा सैड है क्योंकि ये हमारा घर है, लेकिन था अभी फ्राइडे तक है, अगले फ्राइडे तक हमारे पास चाबियां हैं टेक्निकली, लेकिन ओवरऑल बहुत सैड है। स्पेशली क्योंकि हम जब वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो हम ज़रा बिलबुल आगे करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपको लग रहा होगा ऐसे होता है बट नहीं होता। मतलब हम थोड़ी ट्रस्ट में कम्यूनल वर्किंग करते हैं, थोड़ी कम्युनिटी फील्स होती हैं और लंच ब्रेक साथ करते हैं। बीच में मैं ऐसी ब्रेक ले ली थोड़ी सी, ऐसे एक दूसरे के कमरे में काम कर लिया कंपनी के लिए, तो सैड है काफी। चलो क्या कर सकते हैं, लाइफ गोज ऑन। बट सिर्फ वर्क फ्रॉम होम वाला एस्पेक्ट सैड नहीं है, ओवरऑल घर को छोड़ने वाला एस्पेक्ट सैड है। इस पे हम मजीद गुफ्तगू करेंगे बाद में। ठीक है, और कुछ कहना चाहोगी? मैं कहना चाहूंगी कि मैं आप लोगों को अपना डेस्कटॉप सेटअप दिखाना चाहती हूँ फॉर द लास्ट टाइम। दिस इज नॉट इट। कुछ अरे बेड बेड एंड लैपटॉप। चलो मैं तुम्हें दिखाऊं। चलो मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। लेट्स गो। Let's go.
चलो 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 चलो, आप लोगों को थोड़ा सा सेटअप दिखाते हैं। वैसे शायद पहले कभी कहीं देखा हो, बट आज क्योंकि हम इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं ना, तो आज तो बनता है। स्पेशल डेमोंस्ट्रेशन गाइस, ये मैंने माउंट खुद लगाया था बाय द वे। इम्प्रेसिव, आई नो, ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। ऐसे ही चुपचाप, बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, शेयर नहीं कर सकते सच में। लेकिन हाँ, मैं ये सोच रही थी यहाँ बैठ के कि मेरा ये व्यू होता है, दिखा ना उनको भी जरा, आपकी आंखों से देखें, बादल है, पूरा लंदन है बेसिकली। और जैसी वो थोड़ी स्क्रीन टाइम ज्यादा हुआ तो थोड़ी कुर्सी खिसकाई और इधर से देख लिया ऐसे करके। नॉट एनी मोर बट इट्स ओके, लॉट ऑफ गुड मेमोरीज। मे बी द नेक्स्ट प्लेस विल हैव इट्स ओन डिफरेंट थिंग्स, नॉट दीज थिंग्स। आई विल मिस दीज थिंग्स बट दोज विल ऑल्सो बी थिंग्स। अब ज्यादा हो गया, चलो बताओ। मैं बहुत बोल सकती हूँ अगर आप और भी बोलवाना चाहते हो। नहीं, मेरी फीलिंग्स बहुत ज्यादा हैं सारी सिचुएशन पे। वो अंदर रखो, मेरी वैसी ही फीलिंग्स बहुत ज्यादा होती है। तो बहुत ही ज्यादा होती है। ये 2 घंटे का ब्लॉग बन जाएगा। बन सकता है अगर बनाना चाहते हो। चलो एक और लाइन देता हूँ तुम्हें। अच्छा मैं बोल चुका, तुम दो नहीं गाइस, ये स्क्रिप्टेड नहीं होता। लास्ट लाइन, Don't cry that it's over. Smile that it happened. He's never going to give me lines again. Cancelled. Cancel. मैं निकल रहा हूँ कमरे से निकल। उनको मेरा बाकी कमरा दिखाओ, मेरा बेड कितना मैं अच्छा बनाती हूँ। अच्छा अच्छा, but about to end. ओके, अल्लाह हाफिज़। काम करो, इधर ही बैठ के करना मेरे कमरे में। नहीं नहीं, वो मैं भी आ रही हूँ, ये ब्लॉग बंद करो तो मैं। ओके जी। लोगों को जिया का तो दिखा दिया है, लेकिन अभी फातिमा को भी दिखाता हूँ। वर्क स्टेशन, इतनी खामोशी क्यों है यार, काम कर रही हूँ। अपना टेबल दिखाओ, ये वाला गाइस मेरा जो है ना टेबल। अच्छा, इतना खड़े होने की जरूरत नहीं, आपको खड़े होने की जरूरत है बिकॉज़ ये एक इलेक्ट्रिक टेबल है, तो थोड़ा फैंसी है, नॉट लाइक योर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन गाइस, यू कांट सी दैट। तो ये अब स्टैंडिंग डेस्क बन गया है, मैं कटअप पे भी काम कर सकती हूँ अगर मैं थक जाऊँ बैठ बैठ के। सो या इट्स अ बिट फैंसी, बट थकती नहीं है बैठ बैठ के, तो इतना मसला नहीं होता। अभी तक तो हिट नहीं हुई, बट अनलाइक सम पीपल, मैंने 2 बैग्स ऑलरेडी पैक कर लिए थे कल, और थोड़ा सा अजीब लगा था कि हम इस घर को छोड़ रहे हैं, 2 साल हो गए हैं, और लीविंग द प्लेस वी यूज टू कॉल होम एंड नाउ मूविंग टू अ न्यू होम। इट्स अ बिट सैड, बहुत फेक हो रही है। नहीं फेक हो रही। अच्छा चलो, मैंने विजया को भी एक लास्ट लाइन दी थी, क्या ऐसे ही कुछ भी। ये थोड़ा ट्रिकी है, ये इस तरह और स्पॉन्टेनियस लास्ट लाइन नहीं, कोई वैसे नहीं है, बस ऐसे ही टॉक टाइम खत्म हो रहा है तुम्हारा, लास्ट लाइन है। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि एक इट्स एंड ऑफ एन एरा एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू एरा, द न्यू होम। Okay. You guys would see that. ठीक है जी, वो भी दिखाएंगे कभी किसी और व्लॉग में, आज नहीं क्योंकि आज तो हम खुद भी नहीं जा रहे उधर। वैसे अल्लाह हाफिज़ कह दो। अल्लाह हाफिज़। तो काम शाम हो गया और अब बस 6 भी बज गए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। It's a sad day and I look horrible. Meri bindiya, uski nindiya, na chura le to kehna.